वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन दम बिरयानी, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा बॉल लेंगे। उसमें हम डालेंगे कर्ड यानी दही। 5 बड़े चम्मच से हम दही डालेंगे। ये हमारा घर का बनाया हुआ दही है। और अब हम इस पर डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 टमाटर को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर पे और उसके प्यूरी डालेंगे। और हम एक स्मॉल बॉल पे जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार करके रखेंगे और ग्रीन चिली की पेस्ट उसे डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, 1.5 लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे। सीड्स को अलग कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 स्मॉल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर 2 स्मॉल स्पून और ये जीरा पाउडर, इसे भी हम 2 स्मॉल स्पून डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 ही स्पून डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी पीस करके डाला हुआ है इसलिए। और अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इस पर 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है। अब हम इसे अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस। मैंने इसमें 1.5 केजी चिकन लिया हुआ है। अब उसी के हिसाब चिकन के हिसाब से सारे मसाले डालेंगे। सभी चिकन्स को इसमें डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। स्पून की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जल्दी इजी होता है ये। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हम चावल प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए बॉईल करेंगे पानी को। उसमें दालचीनी, जीरा, बे लीव्स, गोलकी ये सब डालेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। बासमती चावल को हम धो लेंगे 3 बार और इसे अब हम इस पर डालेंगे जो हमारा बॉईल पानी हुआ है मसालों के साथ, खड़े मसालों के साथ। चावल को बहुत ज़्यादा नहीं धोएंगे वरना वो टूट जाएंगे। उसे नॉर्मल सा पानी से धोना है। और इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच घी ताकि हमारे चावल जो है वो फ्रेश रहे। अब हम काटेंगे अनियंस, फाइनली चॉप कर लेंगे क्योंकि ये अनियंस को हम फ्राई करेंगे, जिसे हम अलग कर लेंगे गोल्डन फ्राई करके बिरयानी पर डालने के लिए। और आधे जो हमारे अनियंस होंगे उससे हम चिकन में फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। फाइनली चॉप करना है 5 से 6 अनियंस, साइज पर डिपेंड करते हैं आपके। अच्छे से अनियंस को काट लेना है, 5 से 6 अनियन। मैंने 5 से 6 अनियन ही लिए, 5 अनियन लिए हैं क्योंकि हम जो अनियन थे उनके साइज़ बड़े थे तो मैंने 5 लिए। अब हम इसे हाथ से मिक्स करके सेपरेट कर लेंगे स्लाइसेस को। हाथ से ऐसे मिक्स करने से अनियंस के सारे लेयर्स जो होते हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं और ये अच्छे से फ्राई होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई
इस पर हम चिकन बनाएंगे, इस पर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आपके चिकन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ऑयल कितना लेना है। मैंने इस पे 6 से 7 चम्मच लिया है ऑयल। अब हम इसे गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 3 से 4, और इस पे फिर हम डालेंगे बे लीव्स यानी कि तेजपत्ता। इस पे अब हम डालेंगे हमारा कटा हुआ प्याज। सभी प्याज को इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें ये प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इस पर अब हम डालेंगे हमारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। जब चिकन फ्राई करेंगे तो उस पर हम उसी वक्त नमक टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इस पर क्योंकि हम राइस पे नमक नहीं डाल रहे, तो इस पर थोड़ा सा नमक हल्का ज़्यादा जाएगा। अब हम ये चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ, और अनियंस हमारे जो गोल्डन फ्राई अनियंस हैं उनके साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हम ये चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपने सारा पानी जो है रिलीज़ ना कर दे और मसाले अपने तेल ना छोड़ दे। इसके आगे की वीडियो लेना मैं भूल गई थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर ऑयल ये जैसे ही मसाले ऑयल छोड़ देंगे तब तक भून हमें फ्राई करना है। अब हम बिरयानी के लिए एक बड़ा सा पतीला लेंगे जिस पर बिरयानी दम करना है। उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और लेमन का उसके बेस पे लेमन का जो पील है जिससे हमने सारे जूस निकाल लिए थे उस पील से इस लेमन इस ऑयल को ग्रीस करना है बेस पे। ये हमारा एल्यूमिनियम का पतीला है। ऑयल अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ आलू डालेंगे, उसका एक लेयर लगाएंगे। ये आलू जब हमारे बिरयानी दम होते हैं तो ये आलू बहुत ही अच्छे क्रिस्प होकर निकलते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने पे बिरयानी के साथ। ऐसे ही हम पूरे बेस पे आलू के लेयर्स लगा देंगे। और जो हमारा दूसरा लेयर जाएगा वो जाएगा हमारे फ्राइड चिकन का। नीचे के बेस पे हम सिर्फ पीसेस को ही ऐड करेंगे। जो भी बड़े पीसेस होंगे उन्हें आप ऐड कर दें। कोशिश करेंगे मसाले ज़्यादा नीचे ना आए वरना वो जल जाते हैं।
चिकन को हम ऐड कर लेंगे अच्छे से। और जो एक्सेस ऑयल होगा हमारे चिकन जो हमने प्रिपेयर किया है बिरयानी के लिए, उसमें एक्सेस ऑयल जो भी होंगे उसे हम नीचे बेस पे ही डाल देंगे। अब हम इसमें थर्ड लेयर लगाने जा रहे हैं, लगाएंगे जो कि है हमारा आधा पका हुआ चावल का। चावल की भी वीडियो पूरी नहीं हो पाई ले पाई थी मैं, चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, आधा ही पकाना है। और इसे हम फैन के नीचे फैला देंगे, दो चार प्लेट्स पे, बड़े प्लेट्स पे उसे फैला करके फ़ैन के नीचे रखेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो स्टिकी ना हो और वो फ्रेश रहे। जो भी हमने खड़े मसाले चावल के साथ पकाए थे, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको रखना है तो आप रख भी सकते हैं। बहुतों को नहीं पसंद आता है क्योंकि वो मुंह पे चल जाते हैं उस वक्त, खाते वक्त नहीं ध्यान जाता है तो वो अच्छे नहीं लगते, तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब हम इस पर डालेंगे बिरयानी मसाला, थोड़ा सा आधे चम्मच के जैसे इस पर स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इस पर डालेंगे फ्राइड अनियंस, इसकी भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। अनियंस को आप गोल्डन फ्राई कर लेंगे क्रिस्प करके और इसे साइड पे रख लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप्ड, और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसे हम डाइल्यूट कर लेंगे दूध के साथ, इसे हम डाल देंगे स्प्रेड कर देंगे एक दो स्पून अच्छे से। और हम अब इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जितने भी हमारे चिकन होंगे वो सारे चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से फैला करके हमें लगाना है, एक ही जगह सारे चिकन्स को नहीं करना, अच्छे से पूरे बेस पे हमारा जो नीचे का फर्स्ट लेयर बना है उसके ऊपर अच्छे से इसे फैला के अच्छे से लगाएंगे। ये हमने सारे ही चिकन्स ऐड कर लिए। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे, जो भी हमारा राइस बच गया होगा अब हम उस राइस को इसमें ऐड कर देंगे ऊपर, अच्छे से फैला के। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा राइस बहुत ही फ्रेश बना है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, उसके ऊपर अब हम डालेंगे फूड कलर। अब इस पे हम डालेंगे हमारे फ्राइड अनियंस जो कि बिरयानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इस पे अब हम डालेंगे हमारे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसे दम करेंगे, दम करने के लिए गूंदे हुए आटे का हम साइड में, जो हमारे पतीला का साइड में रहता है एजेस पे, हम इस आटे को लगा लेंगे ताकि हमारा जो कवर हो वो अच्छे से इस पे बैठ जाए और हमारा बिरयानी अच्छे से दम हो। अब हम एक कटोरा लेंगे, उसमें चारकोल जला करके रखेंगे और इस पे अब हम डालेंगे एक चम्मच घी और इसे हम अच्छे से ढक देंगे। आटे जो हमने साइड में लगाए थे ये इसे एयर टाइट कर देगा और ये बहुत ही अच्छे से दम होंगे, जो भी इसकी खुशबू होगी बहुत ही अच्छे से आएगी। 10 से 15 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे और ये हमारे 25 से 30 मिनट में हमारा चिकन दम होके तैयार हो जाता है। हमारा बिरयानी रेडी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे विथ रायता और चिकन ग्रेवी, व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।